नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं क्या और कैसे। फ्रेंड, मेरे जितने भी चैनल के सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने भी न्यू एज बैंक में मेरे रेफरल लिंक के द्वारा ज्वाइन किया या किसी के भी द्वारा, मैं उनको एक अपडेट देना चाहता हूं कि न्यू एज बैंक का कल 1 मंथ पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। 1 मंथ तक ये बहुत अच्छे से रन हुआ, सभी को टाइमली एकदम विथड्रॉ दिया है इंस्टेंटली। बट 1 मंथ होने के बाद इसने कल को कुछ नए कार्ड लॉन्च किए हैं, जो कार्ड बहुत अट्रैक्टिव, बहुत लुभावने लगते हैं और जो लिमिटेड समय के लिए लॉन्च किया, केवल 2 से 3 दिनों के लिए। तो वो कार्ड्स कौन कौन से हैं देख लें। पहले जैसे एग्जिस्टिंग कार्ड जितने थे वो हमारे बिटकॉइन को डबल कर रहे थे 23 से 30 डेज में, अलग अलग नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से। और अभी जो नए कार्ड लॉन्च किए हैं वो 10 डेज से 20 डेज में बिटकॉइन को डबल करने का दावा कर रहा है, अलग अलग नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से। ओके फ्रेंड, लेकिन कुछ चीज़ें अलग है। जैसे इन्होंने पहला बात फ्री कार्ड जो ये दे रहे थे 35,000 सतोसी का, वो बंद कर दिया इन्होंने कल से। दूसरा बात, जैसे ये सारे कार्ड में एक्यूरल्स थे सेकेंड वाइज, मतलब सेकेंड के हिसाब से हमारा शेयर इस पर ऐड होता था और हम लोग एनी टाइम विथड्रॉ कर सकते थे। बट जो न्यू एज सुप्रीम कार्ड है उसमें है कि एट द एंड आपको पैसे मिलेंगे आपके डबल, 10 दिन 12 दिन जितने दिन वाले पैक आप खरीदते हो। तो उन पैक को देखने के बाद और जितने भी एक्सपर्ट हैं उनकी रिव्यू है कि न्यू एज बैंक अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। वो ये जो 1 मंथ तक अच्छे से रन किया, अच्छे से इस प्रोग्राम को चलाया, वो उनका प्रमोशन एजेंडा था लोगों को, मतलब जोड़ने के लिए, अपना एडवर्टाइज करने के लिए और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कराने के लिए। तो अभी तक अच्छे से चलाया, अब लोग इसके झांसे में शायद आ जाएं और डिपॉजिट करें। और मुझे लग रहा है और सभी को लग रहा है कि न्यू एज बैंक जो है वो स्कैम करने वाला है, हमारा पैसा खाने वाला है। क्यों? इसके लुभावने कुछ कार्ड्स को देखिए। जैसे हम बाय करने जाते हैं कार्ड, तो न्यू एज सुप्रीम कार्ड्स है जो कह रही है कि देखिए 50 बिटकॉइन अगर हम इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो 100 बिटकॉइन को बना दे रहा है। कितने दिनों में? 10 दिनों में। ये 30 को 60 बना दे रहा है 11 डेज में, 20 को 40 बना दे रहा है। लेकिन एक्यूरल्स क्या एट द एंड? एक तो रिस्की हो गया सबसे बड़ा बात कि 12 दिन या 15 दिन जितने दिन है उतने दिन तक हम पैसे ले नहीं सकते हैं। जो इसके पहले के कार्ड थे उस पे चलो छोटा सा प्लान लेते थे, जितना दिन भी चला उतने दिन में कुछ तो आ जाता था, हम लोग अपने मनी को सेव कर पाते थे। बट ये जो प्रोग्राम्स अभी नए कार्ड इन्होंने लॉन्च किया, इसमें एक्यूरल्स मतलब हमारे को क्रेडिट कुछ भी नहीं होगा, मतलब जब तक ये कार्ड मैच्योर नहीं होता, जब मैच्योर हो जाएगा एंड में आपको मतलब आपके पैसे मिलेंगे, ऐसा ये दावा कर रही फ्रेंड्स। और 10 दिनों में कोई भी कंपनी डबल नहीं कर सकती, अभी तक इसने ये चीज़ भी डिस्क्लोज नहीं किया कि कैसे ये इनकम कर रहा। और 10 दिनों में मतलब ये स्कैम करने के फिराक में है, ये चाह रहा है कि हम लोग इसके झांसे में आए और नए कार्ड्स को परचेज करें। जैसे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा, इन्होंने टाइम भी दिया है मात्र 2 दिनों का, तो इसी बीच ताकि हड़बड़ा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करें और ये उड़ ले, ऐसा सभी को लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, मैं भी सहमत हूँ सभी के विचारों से। मैंने भी बहुत जगह पर पढ़ा, इसलिए मैं अपने भी चैनल पर अलर्ट जारी करना चाह रहा था कि जो भी इसके मेंबर हैं, जो भी इसके यूजर है, चाहे वो मेरे चैनल के थ्रू गए हों, मेरे रेफरल लिंक के थ्रू गए हों या किसी भी तरह से इसको यूज कर रहे हैं, वो नया कार्ड नहीं खरीदें, रिस्क है। फिर आगे तो आपकी चॉइस, आप खरीद भी सकते हो, ऑनलाइन में वैसे भी रिस्क रहता है, लेकिन कुछ प्रोग्राम ट्रस्टेड होते हैं। ये अभी तक अच्छे से काम किया, सबको विथड्रॉ दिया, लेकिन अभी जैसे कार्ड इसने लॉन्च किए इससे यही मोटो नज़र आता है कि ये भागने के फेरे में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आपकी राय है कि जो भी पैसे यहाँ पे लगाए हैं फ्रेंड्स, उनको मेन बैलेंस पे ऐड करते जाएं सिंपली सारे पैसे और विथड्रॉ लेते जाएं। मैं भी कल से यही कर रहा हूं, आप हिस्ट्री देख लो। मैं थोड़ी देर पहले आज 28 तारीख को इतना विथड्रॉ कर दिया, 28 को फिर सुबह में इतना विथड्रॉ किया था, 26 को किया, मतलब जब से ये अलर्ट जारी किया उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली विथड्रॉ कर रहा हूं। फिर थोड़ी देर में होगा तो मैं विथड्रॉ कर लूंगा। मैं यहां पे मेन बैलेंस में सभी ऐड कर रहा हूं बैलेंस, देन मैं विथड्रॉ कर लूँगा। तो आपको भी मेरी सलाह है कि आप नए कार्ड को नहीं बाय करें, कोई भी कार्ड आप कुछ दिन वेट कर लें। मे भी ज़्यादा चांसेस है कि इस तरह का कार्ड लॉन्च किया है तो ये हमारे पैसे खाने के फेरे में है, लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा के अपने साइट को बंद करने के फेरे में है। अगर फ्यूचर में भी देता रहेगा ये
लोग जुड़ेंगे, फिर देखेंगे क्या रिव्यू है इसका, तो शायद इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट अभी कुछ दिनों के लिए मेरी राय है कि इस पर इन्वेस्टमेंट ना करें फ्रेंड्स, और जो इन्वेस्टमेंट किए हैं सबको टेक टू मैन बैलेंस में करके आप अपने बिटकॉइन वॉलेट पे विथड्रॉ कर लो। ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स, और मेरा ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को विथड्रॉ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ न्यू एज बैंक का न्यू पॉलिसी को, न्यू स्ट्रेटजी को, और वो शायद इन्वेस्टमेंट करके स्कैम का मतलब फेरे में ना पड़ जाए, उनके पैसे चले ना जाए। ओके फ्रेंड्स।